दोस्तों आज के मेरी वीडियो रिएक्शन है डॉक्टर जाकिर नाइक का वीडियो है जिसका टाइटल है कि राइट वे ऑफ प्रेयर इन इस्लाम। तो एक सही तरीका जो होता है प्रेयर करने का आई थिंक जैसे तो इस्लाम में एक राइट तरीका क्या है प्रेयर करने का मतलब मुझे भी नहीं पता कि एग्जैक्ट होता क्या है। तो ऑफकोर्स मैं इस वीडियो को जरूर देखना चाहूंगी कि एक जो मोमडन्स एक मुस्लिम जो होते हैं वो किस तरीके से प्रेयर करते हैं। तो चलिए विदाउट टाइम स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले अपने चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लास्ट पर लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व आला आलिहि व सहाबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, मेरे अजीज भाइयों और बहनों और पीस टीवी पे लाइव देखने वाले करोड़ों नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। नमाज पढ़ने के जो अहम रुकन हैं वो कुरान में जिनका जिक्र आता है और बाकी का जिक्र आता है हदीस में, लेकिन कुरान के ज़रिए हमें पता लगता है कि कुरान मजिद में अल्लाह सुब्हान व तआला फरमाते हैं सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 144 अल्लाह फरमाते हैं कि जब भी आप नमाज के लिए खड़े होते हैं, सलाह के लिए खड़े होते हैं, अपना रुख मस्जिद हराम की तरफ करो, टर्न योर फेस टुवर्ड्स द सेक्रेड मॉस्क। जिधर भी आप हैं अपना रुख अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ करो। ये हमारे लिए किबला है, काबा हमारा किबला है। नमाज पढ़ते वक्त हमें रुख करना चाहिए मस्जिद हराम की तरफ, ये फर्ज है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 238 में 238 अल्लाह ताला फरमाते कि जब भी आप सलाह के लिए खड़े रहो तो स्टैंड विद अ डिवाउट फ्रेम ऑफ माइंड। आप जब खड़े होते हैं, अरबी में लफ्ज आता कौनितीन, कि अपने डिवाउट फ्रेम ऑफ माइंड के साथ आप नमाज पढ़ो। अल्लाह फरमाते सूरह हिजर में सूरह नंबर 15 आयत नंबर 87 में कि अल्लाह है सेंट, अल्लाह ने नाजिल किया है 7 आयतें जो हमेशा दोहराई जाती है और कुरान अजीम। जब कुरान मजीद में इसका जिक्र आता है 7 आयतें जो हमेशा दोहराई जाती है, इसका मतलब है सूरह फातिहा। सूरह फातिहा में 7 आयतें हैं, तो कुरान में अल्लाह ताला जिक्र करते हैं सूरह फातिहा के बारे में और अजीम कुरान। सूरह फातिहा के अलावा बाकी हिस्सा जो कुरान का है उसे कहा जाता है कुरान अजीम। तो सूरह फातिहा का जिक्र आता है कुरान मजीद में सूरह हिजर में सूरह नंबर 15 आयत नंबर 87 में। और अल्लाह ताला कुरान मजीद में कहते हैं कि सलाम में आपको रुकू करना ज़रूरी है, और रुकू लफ्ज कुरान मजीद में कम से कम 13 बार आया है, और सलाह का अहम रुकन जो है वो सजदा है, अपने माथे को ज़मीन पे टेकना कहते हैं सजदा। और सजदा का लफ्ज कुरान मजीद में 92 टाइम्स आया है कुरान मजीद 92 टाइम्स। और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 43 में या मरियम मुकनितली रब्बी की वजुदी वरकई मा या रकीन के ए मरियम, आप अल्लाह की इबादत करो और सजदा करो और रुकू करो उन लोगों के साथ जो रुकू कर रहे हैं। और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह हज में सूरह नंबर 22 आयत नंबर 77 में कि ए मोमिनो रुकू करो और सजदा करो और अच्छे काम करो ताकि आप फला पाओ। तो कई बार कुरान मजीद में कहा गया रुकू के बारे में और सजदे के बारे में। और इसके अलावा कुरान मजीद में कई बार कहा गया अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो और अल्लाह के रसूल की इताअत करो।
कई बार कुरान मजीद में आता है, सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 32, सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 132, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 59, सूरह माईदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 92, सूरह अनफाल सूरह नंबर 8 आयत नंबर 1, सूरह अनफाल सूरह नंबर 8 आयत नंबर 20, सूरह अनफाल सूरह नंबर 8 आयत नंबर 46, सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 56, सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 54, सूरह मोहम्मद सूरह नंबर 47 आयत नंबर 33, सूरह मुजादिला सूरह नंबर 58 आयत नंबर 13, सूरह तकाबून सूरह नंबर 64 आयत नंबर 12। कम अज कम कुरान मजीद में 12 जगह कहा गया है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो। उसका मतलब अल्लाह के अलावा जो भी अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, हुक्म करते हैं, हमारे लिए फर्ज है क्या उसे हम माने। तो सलाह की बाकी रुकन, बाकी छोटी चीजें किस तरीके से पढ़ी जाती है वो जिक्र आता है हदीस में। जब अल्लाह के रसूल की सही हदीस पढ़ेंगे तो बाकी चीज हमें मिलती है। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सही बुखारी में जिल्द नंबर 1 किताबुत आदान चैप्टर नंबर 18 हदीस नंबर 604 में, प्रे एज यू सी मी प्रे, नमाज पढ़ो जिस तरीके से आप मुझे पढ़ते हुए देख रहे हैं। और ये हदीस दोहराई गई है कई जगह, ये दोहराई गई है सही बुखारी में जिल्द नंबर 9 में हदीस नंबर 352 जहां अल्लाह के रसूल फरमाते कि नमाज पढ़ो उस तरीके से जिस तरीके से आप मुझे पढ़ते हुए देख रहे हैं। तो बाकी चीज नमाज के बारे में हमें मिलती है अल्लाह के रसूल की सही हदीसों में। अल्लाह फरमाते हैं सूरह दारियात में सूरह नंबर 51 चैप्टर 51 वर्स नंबर 56 वर्स 56, वमा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, अल्लाह सुबहाना व ताला ने जिन और इंसान को इसीलिए बनाया है ताकि वो अल्लाह की इबादत करे। अल्लाह ने जिन और इंसान को सिर्फ और सिर्फ इसीलिए बनाया ताकि वो अल्लाह की इबादत करे। ये लफ्ज इबादत आता है अरबी लफ्ज अब्द से जिसके मानी है बंदा बंदगी, और सारे इंसान अल्लाह के बंदे हैं। हमें फर्ज है कि हम हमारे खालिक हमारे रब अल्लाह सुबहाना व ताला की इबादत करें। कई मुसलमानों को गलत फहमी है कि सलाह ही सिर्फ अल्लाह की इबादत है। सलाह अल्लाह की एक अहम इबादत है, सबसे बेहतरीन, लेकिन सिर्फ सलाह इबादत नहीं। इबादत के मानी अब्द बंदगी अल्लाह का कहना मानना। जब हम अल्लाह का हुक्म मानते हैं तो हम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। अल्लाह जिस चीज से हमें रोकता है हम उससे परहेज करते हैं, हम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। लेकिन सबसे बेहतरीन इबादत है सलाह। और जो इंसान सलाह नहीं पढ़ता है, सलाह नहीं पढ़ने के कई नुकसानात है। जो इंसान सलाह नहीं पढ़ता उसका ईमान कमजोर होता है, हो सकता है कि वो अपना ईमान भी गवाए। इंसान सोचने लगता है कि मेरे पास पैसा है, मेरे पास दौलत है, ऐश है, आराम है, अल्लाह से दूर जाता है, सलाह नहीं पढ़ता है और दूर जाता है। सलाह नहीं पढ़ने से आपकी जिंदगी में डिसिप्लिन नहीं आता है। हो सकता है कोई शख्स मुझसे पूछेगा, मैं कई लोग को जानता हूं जो सलाह नहीं पढ़ते लेकिन एकदम पाबंद है, अपॉइंटमेंट के पाबंद है, डिसिप्लिन है। मैं जानता हूं कई मुसलमान जो सलाह नहीं पढ़ते लेकिन डिसिप्लिन है। कई गैर मुसलमान है जो सलाह नहीं पढ़ते लेकिन एकदम डिसिप्लिन है, अपॉइंटमेंट देंगे बराबर उस वक्त पे मौजूद रहेंगे। ये डिसिप्लिन का जिक्र ही नहीं कर रहा हूं मैं, आला दर्जे की डिसिप्लिन की बात कर रहा हूं। ये तो नीचे दर्जे का डिसिप्लिन है। और आप कभी भी देखेंगे अपॉइंटमेंट के बारे में, अगर कोई शख्स अपने मुलाजिम को अपॉइंटमेंट दे रहा है तो अक्सर वो अगर अपॉइंटमेंट के पाबंदी में नहीं करेंगे उसे कोई फर्क पड़ता नहीं, मेरा मुलाजिम है मैं आधा घंटा लेट जाऊं क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि वो उससे नीचा है। अपॉइंटमेंट 10 बजे का आप पहुंचे, 10:15 को पहुंचे, 10:30 को पहुंचे, 11 बजे नहीं भी पहुंचे, मुलाजिम है कोई फर्क पड़ता नहीं। अगर आप अपने बिजनेस पार्टनर को अपॉइंटमेंट दे रहे, आप कोशिश करेंगे टाइम पे रहेंगे, मैं मेरे बिजनेस पार्टनर को
तकलीफ नहीं देना, अपॉइंटमेंट के टाइम पे रहेंगे। जिसको आप समझते हैं कि बहुत मशहूर और इज्जत वाला है, अगर आप मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट लेंगे तो क्या करेंगे, 10 मिनट टाइम के पहले पहुंचेंगे, आधा घंटा पहले पहुंचेंगे। अगर वजीर आलम का अपॉइंटमेंट लेंगे, आप डरेंगे कि अपॉइंटमेंट छूटने जाएगा तो आधा घंटा पहले पहुंचेंगे, 1 घंटा पहले पहुंचेंगे। ये इंसान की फितरत है। जो आपके नीचे है उसके आप कदर नहीं करते, जो बराबर है कदर करते, जो ऊंचा है मशहूर है ज्यादा कदर करते। इस लिहाज से अगर मान लो ये चीज सही है, मान लो क्या ये अपॉइंटमेंट का तरीका सही है कि अगर टक्कर का है तो मैं टाइम पे जाऊं, ज्यादा ऊंचा है तो और एहतियात रखो। जब आपका अपॉइंटमेंट आपके रब के साथ है तो कितनी पाबंदी आपको करना चाहिए, और रब का मुकाबला मखलूक से कर ही नहीं सकते। अगर वजीर को मिलने के लिए इतनी पाबंदी कर रहे तो अपने रब को मिलने के लिए कितनी पाबंदी करना चाहिए आपको। रब का मुकाबला वजीर से हो ही नहीं सकता है। वलम यकुल्ल कुफ्फानात, उसके जैसा कोई नहीं है। तो मैं उस अपॉइंटमेंट की बात कर रहा हूं ऊंचे दर्जे की। अगर सलाह से दूर रहेंगे तो आपके जिंदगी में डिसिप्लिन आएगा ही नहीं। जब वजीर आपका थोड़ा फेवर करता है तो आप हिल जाते हैं, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। हमारा खालिक आपको जिंदगी दी है, हमें जिंदगी दी है, हमें इतने नियामत दी है, हम कितना शुक्र अदा करते। और जो सबसे बेहतरीन नियामत है वो तो हम कभी सोचते भी नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सबसे बेहतरीन नियामत क्या है जो जरूरी है आपके लिए जीने के लिए, क्या है? क्या है? हवा। शायद आपने तकरीर सुन चुके पहले हा? मैं पूछना चाहता हूं कितने लोग हमारे खालिक का शुक्रिया अदा करते कि हवा जो हमें चंद मिनटों के लिए नहीं मिलेंगी तो मर जाएंगे। चंद मिनटों के लिए हवा नहीं मिलेंगी, हम बोलते यार अब शुक्रिया, आपने हमें घर दिया, आपने हमें गाड़ी दी। कितने लोग शुक्रिया अदा करते पानी के लिए, कितने लोग शुक्रिया अदा करते हवा के लिए। ये जीने के लिए जरूरी है। जब मैंने मेरे बच्चों से कंपटीशन लगाई कि सबसे ज्यादा आप क्या शुक्र अदा करेंगे अल्लाह का, तो एक से बढ़कर एक जवाब था। मेरी छोटी बेटी रुजदा ने कहा सबसे बेहतरीन मैं शुक्रिया अदा करूंगी अल्लाह ने हमें ईमान दिया। माशाल्लाह, ये हवा से भी बेहतर है। ईमान जो अल्लाह ने हमें दिया है वो हवा से भी बेहतर है, लेकिन जीने के लिए जरूरी हवा। तो वो खालिक जो हमें इतने नियामत बरसा रहा है उसका अपॉइंटमेंट का आपको कोई फिक्र नहीं। सही तरीका जो प्रेयर्स पढ़ने का, वो नमाज पढ़ने का जो होता है वो सही तरीका क्या है, तो ये इस वीडियो में बताया गया था कि नमाज पढ़ने का सही तरीका क्या है। तो जो नमाज पढ़ने का तरीका होता है, जो मुस्लिम लोग नमाज पढ़ते हैं, तो जैसे कि डॉक्टर जाकिर नाइक का इसका जवाब था कि नमाज पढ़ने का जो तरीका होता है सही हो, तो नमाज पढ़ने का जैसे कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसने बताया कि नमाज पढ़ने का तरीका होता है अल्लाह जो खुदा का शुक्रिया करना और इबादत करना, और सर जो एक मुस्लिम बताई थी कि सजदा करना, मतलब सर को वो टेकना नीचे तक जमीन पे, तो वो सजदा करना होता है अल्लाह का। और अल्लाह के हर एक चीज़ के लिए, हालांकि खुदा को उसके लिए शुक्रिया करना कि उन्होंने वायु दी जीने के लिए, ऑफकोर्स कि वायु और पानी की ज़रूरत है तो उन्होंने वो दी हमें, और जिससे हम जी रहे हैं तो उसका हमेशा शुक्रिया करना चाहिए। ऑफकोर्स कि उन जो भी गॉड्स है, फिर अल्लाह है, जिसको भी आप मानते हैं, उनका हमेशा इस चीज़ के लिए शुक्रिया करना कि उन्होंने हमें ज़िंदगी दी। तो ये थी वीडियो रिएक्शन डॉक्टर जाकिर नाइक की। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो लाइक जरूर कर लीजिएगा। और सब मुझे कमेंट्स करके बताइए आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो रिएक्शन, और किस वीडियो पर आपको रिएक्शन देनी है मुझे कमेंट्स में करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, मतलब फ्यूचर की वीडियोज के अपडेट्स आपको मिलती रहे, कोई भी मेरी वीडियो मिस ना करें। और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर करें, मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी लिंक, तो जाएं और जाके फॉलो करें। और मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, आप लोगों के कमेंट्स से मुझे पता चलता है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई या नहीं आई, या किस वीडियो पे आप लोग मेरी रिएक्शन देखना चाहते हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। बाय बाय, टेक केयर।